नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो द्वारा जानेंगे फोटो से वशीकरण करने का टोटका, फोटो से वशीकरण करने का मंत्र, फोटो से वशीकरण करने के उपाय, फोटो से वशीकरण करने के टोटके। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी को उसकी फ़ोटो के द्वारा वश में करना चाहते हैं तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, जहां पर आप फ़ोटो से वशीकरण करने का मंत्र जान सकते हैं। तो दोस्तों, जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही दिए गए बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, वशीकरण मतलब किसी को अपने वश में करना, किसी को भी वश में करके उसे मनचाहा काम निकलवाना। तो दोस्तों, वश में करने के लिए आप किसी भी वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इंसान की फोटो ही क्यों ना हो जिसको आप वश में करना चाहते हैं। जी हाँ, हमारे पंडित जी फोटो से वशीकरण का मंत्र आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जिस भी इंसान को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसकी फोटो लें और आपको दिए गए मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, जब आपको फोटो लेनी है और मंत्र का जाप करना है, ध्यान रहे वो दिन शुक्रवार का ही होना चाहिए, शुक्रवार से ही आप ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहे फोटो से वशीकरण करने के लिए आपको उस इंसान की फ़ोटो लेनी है। और दोस्तों, फ़ोटो से वशीकरण आप किसी का भी कर सकते हैं, चाहे वो आपका प्यार हो या आपका दुश्मन हो। तो दोस्तों, अगर आप अपने प्यार को अपने वश में करना चाहते हैं, अगर आप एक लड़का हो किसी लड़की को वश में करना चाहते हैं, अगर आप एक लड़की हो किसी लड़के को अपने वश में करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज ऐसा ज़रूर होगा। आप चिंता न करें, आप हमारे बताए गए टोटकों को ध्यान से सुनिएगा और उसका जाप करिएगा, आपका काम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों, फ़ोटो से वशीकरण करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। फ़ोटो से वशीकरण आप अपने पति या पत्नी का भी कर सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका का कर सकते हैं, अपने माता पिता का कर सकते हैं, अपने बच्चों का कर सकते हैं, अपने बॉस का भी कर सकते हैं, अपने दुश्मन का भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ़ोटो से वशीकरण करने के लिए मैंने आपको बताया था शुक्रवार का दिन ही उचित माना गया है। शुक्रवार के दिन आपको एक फ़ोटो लेनी है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, चाहे वो इंसान कोई भी हो। तो दोस्तों, ये कोई वो नहीं होता कि वो इंसान आपके पास हो, आपके सामने हो, आपको जानता हो। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो इंसान अमेरिका में क्यों ही ना हो, आप उसको फ़ोटो द्वारा अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ़ोटो से वशीकरण करने की विधि के बारे में आइए जानते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, मंत्र का जाप करने से पहले आप एक बार हमारे पंडित जी से जरूर संपर्क करें, जो आपको इससे जुड़ी जानकारी बिल्कुल फ्री में बताएंगे। तो दोस्तों, फ़ोटो से वशीकरण कर ले के लिए शुक्रवार के दिन अपने सामने उस इंसान की फ़ोटो रख ले जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। तो दोस्तों, फ़ोटो पर आप उस इंसान का नाम लिखकर उसके नीचे मंत्र लिख लीजिएगा। मंत्र आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मंत्र लिखने के बाद आपको उसी फोटो पर माथे पर उसके लाल सिंदूर से तिलक लगाना है। दोस्तों, तिलक लगाने के बाद आपको फोटो पर 108 बार मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपको 7 दिन तक फोटो अपने पास रखनी है। 7वें दिन आप उसको किसी सुनसान जगह पर लेकर जला भी सकते हैं और पानी में भी बहा दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से वो इंसान आपके वश में हो जाएगा जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिसकी फ़ोटो पर आपने जाप किया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो में बताया गया टोटका आपको जरूर समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं कैसे नए टॉपिक के साथ। हमारी दूसरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके दूसरी वीडियो से भी जुड़ सकते हैं। हमारे ऐड कार्ड में से दूसरी वीडियो के लिंक देखकर आप दूसरी वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे